No, no, no. No. मैंने एक मिनट प्लीज नो no, ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज एक मिनट बैठिए प्लीज बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। मन उनकी पार्टी से 9 मेंबर बोले बताइए, 9 मेंबर बुलाए आपने। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभा, कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, पालन करते हुए किए, उनका व्यवहार ऐसा था और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ। और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको।
आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं रहता। आप सदन में डायरेक्शन दो, माननीय नेता जब बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल, नो, गलत तरीका है, नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखे आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं, आप संसद मर्या पीछे पीठ पीछे नहीं करें, आपको गरिमा नहीं सदन की, डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को, ये आपको, ये प्रतिपक्ष के नेता है आप, नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभापति जी, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है, जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है, जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा